हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपमास ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी बेगुनी रेसिपी। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है बेगुनी की रेसिपी। ये बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है। तो गाइस, मेरा ये पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो में बने रहे। तो गाइस, बेगुनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बैंगन लिया है बड़ा सा, और इसको मैंने कट कर लिया है और इसको मैंने डंठल के साथ ही काटा है ताकि ये दिखने में सुंदर लगे। और यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, और बेसन यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है, और आधा कप मैं सूजी लूँगी। और उसके साथ यहाँ पर मैंने लिया है कलौंजी, नमक, अदरक लहसुन पेस्ट, और मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और मिर्च का पाउडर। तो गाइस, सबसे पहले मैं सूजी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और उसमें मैं मिलाने वाली हूँ गरम तेल। तो गाइस, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया है। तो गाइस, सबसे पहले मैं मिलाऊंगी कलौंजी को। और कलौंजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन और सूजी के साथ। और उसके साथ अब मैं गरम तेल को मिला लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। गरम तेल डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब तेल के साथ बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, यहाँ पर गाइस मैंने बेसन के साथ गरम तेल मिक्स कर लिया है, और अब ये ऐसे बाइंड होने लगा है बेसन। इसका मतलब है कि इसे बाइंड हो जाता है तो हमारा पकौड़ी जो है कि क्रिस्पी बनेगा। तो अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और उसके साथ ही मैं मसालों को भी ऐड कर लेती हूँ, हल्दी पाउडर, और यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे अच्छा कलर आएगा। और यहाँ पर है गरम मसाला पाउडर, और साथ में मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर, और उसके साथ ही मैं नमक को भी ऐड कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसका एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लेती हूँ। एक साथ मैं पानी को नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर गाइस, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अब मैं बैगुनी को फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले। और यहाँ पर गाइस बैटर रेडी हो चुका है। तो अब मैं एक एक करके बैगुनियों को फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। बैगुनी को बैटर में डिप करूंगी और एक एक करके फ्राई करते जाऊंगी। और चूल्हे के आंच को हम मीडियम रखेंगे। अब मैं दूसरा बैगुनी डाल देती हूँ। अब हम इसे पलट देते हैं।
तो गाइज अब ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर गाइस मेरा क्रिस्पी बैगनी की रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही क्रिस्प बना है ये गाइस। तो गाइस अगर आपको मेरा ये बैगनी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।